अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको बता दूंगा, एक कॉमन चीज़ है और उसका रिस्पांस हम क्या करते हैं। कॉमन क्या है कि कोई अगर हमको पूछे कि हाउ आर यू, और इस हाउ आर यू के रिस्पांस में हम क्या जवाब दे रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है हमारी लाइफ के लिए, और उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। क्योंकि हाउ आर यू जब कोई पूछता है, यानी आप कैसे हो, तो जो आप रिस्पॉन्स करते हो वो आपके मेंटल कंडीशन, आपके लाइफ की सिचुएशन, ये टोटल बता देती है कि आप कैसे हो एक्चुअली। तो जब कोई आपको पूछे हाउ आर यू, तो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट हाउ आर यू, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो अगर किसी ने पूछा कि हाउ आर यू, यानी आप कैसे हो, तो से अल्हम्दुलिल्लाह। यानि अगर आपको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता तो आप कहो कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम वेरी मच हैप्पी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम वेरी मच हेल्दी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम वेरी मच पावरफुल। यानी पहला तो आना चाहिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि ये सब अल्लाह ही का ग्रेस है जिसकी वजह से हम जो कुछ कर रहे हैं वो है। सो हाउ आर यू अगर कोई कह लेता है तो उसका रिस्पांस होना चाहिए दूसरा कि आई एम ग्रेट, आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम एक्सलेंट, आई एम सुपर्ब, आई एम टेरिफिक। सो ये सब पॉजिटिव थॉट्स हमारी ज़ुबान से निकलने चाहिए। और अगर हम ये रिस्पांस जब कोई हमको पूछता है और हम डल रिस्पांस दे देते हैं, तो वही चीज़ हमारे साथ हो जाती है। क्योंकि अगर हमको कोई पूछे बार बार हाउ आर यू, तो हमेशा कोई ना कोई तो जो मिलता है नया वो पूछ लेता है कैसे चल रहा है। अगर हम कैसे चल रहा है या कैसे हो आप, अगर हम उसके रिस्पांस में अगर हम बोले नहीं बहुत बुरा हाल है, नहीं, या तो कुछ लोग बोलते हैं कट रही है, या तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं एकदम खस्ता हाल है, बेकार हाल है, आज का दिन तो बहुत बेकार है, अगर ये रिस्पांस रहेगा, अभी तबीयत नासाज है, अगर हम ये ऐसे रिस्पांस करेंगे, अगर हम उसको निगेटिव मोड में, निगेटिव टोन में उसका रिस्पांस दे देंगे, तो हमारे लाइफ में भी निगेटिविटी आ जाती है। हम क्यों? क्योंकि हम जो बोलते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है हमारे लाइफ में बदलाव लाने के लिए। अगर हम अनोइंगली भी कुछ चीज़ें रिपीटेडली बोलते रहते हैं, वो चीज़ें हमारे लाइफ में बदलाव लाती हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए। अगर हम निगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं लाइफ में ज़्यादातर, और उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, तो भी हमारे लाइफ में निगेटिव चीज़ें सारी आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर हम पॉजिटिव चीज़ें बोलना शुरू कर दें हमारे लाइफ में, आई एम फंटास्टिक, आई एम हेल एंड हाइटी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरी थिंग इज फाइन एंड सुपर्ब, अगर कोई अगर इसे पूछे तो आई एम ग्रेट, आई एम पावरफुल, आई एम वेरी पीसफुल, आई एम इन द एक्सट्रीम ऑफ अ पीस, अगर ऐसा आप रिस्पॉन्स करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लाइफ में भी वो पीस आ जाएगा, इंशाल्लाह आप भी वो पावरफुल हो जाएंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बट पहले आना चाहिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम पावरफुल, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम ग्रेट, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम हैप्पी। ये रिस्पॉन्स अगर हम दे देंगे तो हमारे लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। ये बस सिंपल छोटी सी बात है, मगर ये छोटी सी बात को अगर हम ध्यान दे के उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे, तो इंशाल्लाह हमारी लाइफ बदलने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन द चॉइसेस विच यू मेक डे टू डे इन योर लाइफ। क्योंकि आज अगर हम जो कुछ हैं वो हमारे पिछले थॉट्स की वजह से हैं, जो हमने पहले चॉइसेस किए उसकी वजह से आज जो कुछ हमारी पोजीशन है वो है। अगर हम अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो इट इज़ नेसेसरी कि आज हमारे थॉट्स को चेंज करना चाहिए, इट इज़ नेसेसरी कि आज जो हम कर रहे हैं उसको चेंज करना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। इट इज़ नेसेसरी कि आज जो हम हमारी ज़ुबान से बोल रहे हैं उसको चेंज करना चाहिए, इट इज़ नेसेसरी कि जो हम आज सोच रहे हैं उसको चेंज करना चाहिए, इट इज़ नेसेसरी कि हम आज जिसके साथ कंपनी है हमारी
उनको चेंज करना चाहिए और हमारी कंपनी अच्छों के साथ करनी चाहिए, तभी इट इज़ पॉसिबल है कि हमारे लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। तो एक छोटी सी बात थी कि हाउ आर यू का रिस्पांस हमें कैसे देना चाहिए, और हमको ये सोचना चाहिए कि हम हाउ आर यू का रिस्पांस कैसे देते हैं। अगर हम एंथुजियास्टिकली हाउ आर यू का रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कि हम वो चीज़ यानी वो चीज़ हमारे लाइफ में खींच रहे हैं जो हम नापसंद करते हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आप ये ध्यान नहीं दे रहे हो कि हम डे टू डे लाइफ में हम छोटी छोटी चीज़ें रिपीटेडली जो कर रहे हैं वो एक्चुअली हम चूज़ कर रहे हैं हमारे फ्यूचर के लिए, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। सो बी प्रेजेंट इन व्हाट यू आर डूइंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। प्रेजेंट इन नॉट ओनली इन टूडे बट इन नाव, यानी अब भी मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसके ऊपर इंशाल्लाह एक मैं लेक्चर और ले लूँगा, पर आज ये समझ लो कि हाउ आर यू का रिस्पॉन्स कैसा देना चाहिए। ये छोटी बात मगर बहुत बड़ी है लाइफ के एतबार से, फ्यूचर के एतबार से। थैंक यू वेरी मच।